Rajat Varma, khun gel da mein girta, Rajat Varma, khun gel da mein girta. Aaj ki daaya khabar, aaj ki daaya khabar. Hindustan ke majroor maro, tujhe kambal da Rajat Varma, khun gel da mein girta. Aaj ki daaya khabar, aaj ki daaya khabar. Rajat Varma arrested? Sheetalpuri ke khun ke ilzam mein? साहब यकीन नहीं आता इतना बड़ा म्यूजिक कंपोजर और खून के इल्जाम में गिरफ्तार। अजीब बात है, ऐसा कैसे हो गया? आज विश्वविख्यात म्यूजिक कंपोजर रजत वर्मा को पूना में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि वे अपने शो की मुख्य अभिनेत्री शीतलपुरी को गोली मारकर अमेरिका से चुपचाप हिंदुस्तान वापस भाग आए थे। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी पत्नी हूं मुक्ता वर्मा, मुझे इनसे जरा बात करने दीजिए प्लीज। रजत, मेरे बार बार कहने के बावजूद तुमने अपनी जबान नहीं खोली, और जानते हो आज तो मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए समन्स तक मिल गया है। प्लीज रजत, अपनी बेगुनाही के बारे में कुछ तो कह दो, तुमने कुछ नहीं किया, बोल दो कुछ, अभी वक्त कम है। एक्सक्यूज मी, इससे आगे आप नहीं जा सकते, चलिए। रजत, मिसेज रजत वर्मा, आपकी रिक्वेस्ट पर अदालत ने आपको जरूरत से ज्यादा वक्त दिया है, इसलिए ताकि आप अपने पति के मुंह पर लगे हुए ताले को खुलवा सके, मगर अफसोस आप नाकामयाब रही। जानती हैं क्यों? इसलिए कि आपके पति ने इतना संगीन, इतना काला जुर्म किया है कि जिसे लाख सफाइयां देने के बाद भी सफेद नहीं किया जा सकता। आपके पति महज कातिल ही नहीं बल्कि ऐसे संगल खूनी हैं जिसने किसी दिमागी खलल या जुनून की वजह से शीतलपुरी का खून नहीं किया, बल्कि कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसी स्कीम भी बनाई जिसके जरिए बिना किसी के हाथ पड़े उस लड़की को अपने रास्ते से हटा दें जिससे ये उब चुके थे। वकील साहब, आप मेरे पति के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। चरित्रहीन का कोई चरित्र नहीं होता मिसेस वर्मा, और शीतलपुरी ही क्या, आपका पति तो तीन तीन लड़कियों की जिंदगी से खेल चुका है, और उनमें से एक आप भी हैं। योर ऑनर, कह दीजिए कि ये झूठ है, कह दीजिए कि इसने आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया, कह दीजिए कि ये भी झूठ है कि इसने तुलसी नाम की लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा। योर ऑनर, मेरी जाती जिंदगी पर छींटाकशी करने का वकील साहब को कोई हक नहीं है। आई एम सॉरी, मामले की तह तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि आप प्रोसिक्यूशन के हर सवाल का जवाब दें। लेकिन मैं रजत जी की पत्नी हूं, उन्हें चाहती हूं, उनसे बहुत प्यार करती हूं, मैं उनके बारे में कुछ। आप इस वक्त उनकी पत्नी नहीं बल्कि सिर्फ एक गवाह हैं जिसने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है, और मुझे विश्वास है कि आप इस सच को स्वीकार करेंगी कि शीतल और आपके अलावा तुलसी भी आपके पति की जिंदगी में आई थी। कह दीजिए कि यह भी झूठ है। सच है, मगर उतना ही जवाब दीजिए मिसेस वर्मा जितना पूछा जाए, और यह भी याद रखिए कि डॉक्टरों के मुताबिक आपके पति ने शीतलपुरी को एक ऐसी जिंदा लाश बना के छोड़ दिया है जो कभी होश में नहीं आ सकती। क्या सबूत है आपके पास इस बात का कि शीतलपुरी की यह हालत मेरे पति ने ही की है? इसका सबूत मेरे सवालों और आपके जवाबों में छुपा हुआ है। मिसेस वर्मा, मुझे यकीन है इस बात का कि आप इस सच को नहीं जुटाएंगी कि आप एक करोड़पति बाप की बेटी हैं, और उनकी मर्जी के खिलाफ अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर रजत वर्मा आपको बंबई भगा कर ले गए थे। ये झूठ है, सरासर गलत है। तो सच क्या है? सच सिर्फ ये है कि मेरे पिता हम दोनों की शादी नहीं होने देना चाहते थे, और मैं रजत से बेइंतहा प्यार करती थी। कह दे
जमाने से कह दे वे कह दे जमाने से कह दे वे कह दे मैंने कर ली वे कर ली मोहब्बत कर ली कह दे तेरे प्यार के सामने से तेरे प्यार के सामने से मन की खबर भर ली कह दे जमाने से कह दे वे कह दे जमाने से कह दे वे कह दे मैंने कर ली मोहब्बत कर ली कह दे तेरे प्यार के सागर से तेरे प्यार के सागर से मन की गागर भर ली कह दे जमाने से कह दे वे कह दे मैंने कर ली मोहब्बत कर ली कहे दे अब क्या डरना बदनामी ये बदनामी ये अपने कर ली मोहब्बत कर ली कह दे जमाने से कह दे वे कह दे मैंने कर ली मोहब्बत कर ली कह दे कसम रब की लेते हैं मैंने तेरी कसम मेरे दिल भर ली कर ली मोहब्बत कर ली कह दे जमाने से कह दे मैंने कर ली मोहब्बत कर ली कह दे कह दे जमाने से कह दे वे कह दे मैंने कर ली मोहब्बत कर ली कह दे गीता 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 जल्दी आओ अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं देखो 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 क्या हो गया आखिर ऐसी क्या परेशानी है जानती हो तुम्हारी लाडली भतीजे ने क्या गुल खिलाए जी वो घर से भाग गई है उस लुच्चे लफंगे पेटी मास्टर के साथ उफ, ना काट के रख दी इस लड़की ने लेकिन भाई साहब रजत ऐसा नहीं है जैसे आप समझते हैं हाँ हाँ तुम्हारी वजह से आज ये दिन देखने को मिला बार बार चली आती थी आश्रम से शह देने के लिए लो पढ़ो इसे प्यारे पापा हर बेटी की तरह मैं भी पिता का आशीर्वाद लेकर पति के घर जाना चाहती थी लेकिन अफसोस मेरा चुनाव आपकी पसंद न बन सका फिर भी मुझे विश्वास है एक दिन आप ही ये कहेंगे कि रजत को पति के रूप में पाना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था बहुत बहुत बधाई हो रजत जी नमस्ते Thank you.
वाह वाह, वेल डन भाई रजत साहब। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप हमारी इस इंपोर्टेड पॉप सिंगर को इतनी बेहतरीन क्लासिकल डांसर बना सकते हैं। नहीं शफी साहब, इन तारीफों का असली हकदार मैं नहीं, मुक्ता जी हैं। हमारी धर्मपत्नी, हमारी इंस्पिरेशन, हमारे जीवन का सुर। सच मानिए, स्ट्रगलिंग पीरियड में अगर इनका सहारा ना होता तो हम कहीं भटक गए होते। भाई वाह, बड़े खुशकिस्मत हैं आप जो ऐसा हम सफर मिला। भाभी जान, अपने जैसा कोई दूसरा पीस आपको नजर आए तो इस खानदानी कुंवारे को फौरन खबर कर दीजिएगा। मजाक छोड़िए शफी साहब, लेकिन ये बात सच है कि आप ही वो प्रमोटर हैं जो इन्हें चांस देकर पहली बार इंटरनेशनल अरेना में उतार रहे हैं। भाई हमें तो पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे शोज अमेरिका वालों के दिल और जेबें दोनों लूट लेंगे। पर सुनो, पैसों की वजह से कोई कमी न रहने पाए, दिल खोल कर खर्चा करो। दिल खोल कर। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे पार्वती तुम? अरे जी क्या बात है, अब तक घर क्यों नहीं गई? जी चली गई थी, फिर से आई हूँ मालकिन। क्यों? वो रजत तुम कपड़े बदलो, मैं अभी आती हूँ। क्यों क्यों क्यों? जाओ ना, मैं बात करके आती हूँ। अब बोलो क्या बात है। ये क्या? अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है, 7 साल बाद तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर घर आ रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ 7 साल पहले आपने तुलसी को इतना सा देखा था मालकिन, आप सोच भी नहीं सकती इन 7 सालों में भगवान ने उसे कितना रूप दे दिया है। मैं परसाल ही उसे मिलकर आई हूँ। अरे तो इतनी खूबसूरत बेटी की माँ को तो और भी खुश होना चाहिए, तुम तो फिजूली में परेशान हो रही हो। लेकिन मालकिन, जिस बस्ती में गुंडों बदमाशों का राज हो वहां जवान लड़कियों के माँ बाप खुश कैसे रह सकते हैं? ओ समझी। तुलसी कल आ रही है ना? हाँ। तो तब तक कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। अच्छा तुम चिंता मत करो, लो आराम से सो जाओ। अच्छा मालकिन। बताना उसकी अम्मा को कि यहाँ की रस्म के मुताबिक लौंडिया का पहला भोग हमको ही लगेगा। ये भी कोई कहने बताने की बात है उस्ताद, इस बस्ती का दस्तूर सब जानते हैं। वैसे वो साली जब तक जाने की समझेगी यहाँ का रंग ढंग, तब तक वो दूसरी थाली रखी है लगी लगाई। कौन? वही रघु की लौंडिया उस्ताद, हम तो जमा का चौकड़ी भी लगाए हैं उसके दरवाजे। अरे अब निकलेगी भी, अंदर ही रहेगी, मुझे देर हो रही है। तो जाना अम्मा। अरे वाह ऐसे कैसे जाऊं, तू बाहर तो आ, तुझे आंखों से देख लूं, तसल्ली कर लूं, तब जाऊं। क्यों हो गई ना तसल्ली, अब तो खुश? अरे खुश तो हूं, लेकिन तूने ये क्या नाटक किया है? किया नहीं, करना पड़ा है। तेरी और मालकिन की खुशी के लिए। वैसे हम किसी से नहीं डरते, अरे देखे तो सही कोई हमें, आंखें बाहर ना निकाल दे तो हमारा नाम भी तुलसी नहीं। हाँ हाँ मालूम है, बड़ी झांसी की रानी है ना तू। अरे लेकिन कौन? मैं संतोदाई। आओ संतोदाई। अरे कुछ सुना तूने? क्या? आज तो रघु के घर पे भी चौकड़ी लग गई, खूब रोना धोना मचा हुआ है। अरे रे ये तो बहुत बुरा हुआ, रघु बेचारे का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहाँ लड़की को भेजते। सत्यानाश हो इन चौकड़ी लगाने वालों का। ये चौकड़ी क्या होती है? अरे ये कौन है? ये मेरी लड़की है, कल ही आई है। लड़की? चलो अच्छा, देखने सुनने में मामूली है, नहीं तो तेरी भी रातों के नींद उड़ जाती है। अच्छा चलती है, मैं तो यूं ही चली आई कि तुझे बता दूं मोहल्ले में आखिर हो क्या रहा है। अच्छा अम्मा ये औरत कह रही थी नुक्कड़ वाले रघु काका के घर चौकड़ी लग गई है, ये चौकड़ी होती क्या है? एक घर और बर्बाद हुआ बस्ती का। क्या मतलब? अरे क्या बताऊं तुझे,
बस्ती के गुंडों को जैसे ही पता चलता है कि फलाने घर की लड़की जवान हो गई है तो बस उस दरवाजे पे आके निशान लगा जाते हैं कमबख्त। और जिस दरवाजे पर चौकड़ी का मनहूस निशान लग जाता है उसका मतलब या तो घर वाले अपनी लड़की गुंडों को सौंप है नहीं तो वो लोग खुद आकर उसे उठा ले जाते हैं। यहाँ पुलिस वुलिस का कोई कायदा कानून नहीं चलता? अरे कैसा कानून, एक बार की थी रफट एक बस्ती वाले ने, लौट के आया तो देखा बेचारी की खोली भस्म कर दी थी इन बदमाशों ने। अरे इन गुंडों से पार पाना आसान नहीं। वाह जी वाह, अच्छी दादागिरी है। अरे हम तो वैसे चुप, बड़ी आई हम तो देख फिर से कह देती हूँ, यहाँ रहना है तो मुंह बंद और अपने काम से काम। हाँ मैं जा रही हूँ। और सुन हाँ? चुपचाप कुंडी चढ़ा के बैठी रही हो घर में, समझी? हाँ। समझी। रघु की लड़की को लेकर ही जाएंगे, छोड़ना नहीं है। अबे और रघु के बच्चे दरवाजा खोल। अबे लाता है बाहर या हमारे अंदर? आप सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब जी, ले देखा मेरी एक ही बेटी है, हम पर बात हो जाएंगे, हम पर दया करो साहब जी, हम पर दया कीजिए साहब। दया करूँ साली को? इस बस्ती में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको रोकेगा, समझे? अरे हम रोकेंगे, जान प्यारी है तो छोड़ दे इसे, वरना एक एक को पानी पिला कर छोड़ेंगे। हाँ अरे ओ चंबल की रानी, पहले अपना जलवा तो करा। अरे जलवा ही करना है तो आहिस्ता आहिस्ता कर जालिम। हाय तो थाम ले जिगर और हो जा तैयार। तो ये देख मेरी पायल और ठुमका, देखा? और ये देख मेरा झुमका, और ये देख मेरी कमर। हाय तेरा जलवा। हाय 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 हाय, थाम के रह गया ना जिगर। अरे अब होश में आ जा मुर्दार और देख मेरी पिछाड़ी। अब और मत तरसा मेरी जान, अब जलवा तो दिखा। अच्छा तो ये ले, कर ले भरपूर जलवा। हाय ना 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 ना, ठंडी सांसें मत छोड़ा जा। तो फिर आ जा। अच्छा ले, मैं आ गई, अब थाम ले ये मेरा सोने जैसा हाथ। ची 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 ची, ये तो साला फोकल निकला। चुनु मुनु आओ, और करो जलवा, हराम खोरो तेरी तक ये ले। तो हरामी के पिल्लो, कुत्तों की दुमो, बोलो तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए? अच्छा,
ये देखा कितना पानी है मेरे पास पिलाने को, और पिएगा? नहीं तरस जा आले प्यासा मर। और कोई है? कान खोलकर सुन ले, तू जिसका कुत्ता है ना, कह देना उससे कि तुम लोगों में से फिर कोई इधर नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा, समझा? अब जा, भाग भाग यहां से। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा, उठाओ एक एक को और फेंक दो बस्ती से बाहर, चलो। अरे वो कहां गई? अरे हाँ, जाने कौन थी, कहां से आई, कहां गायब हो गई? अरे माँ तू आ गई, बैठ बैठ, तू थक गई होगी। अरे अरे आज तुझे कुछ पता है आज बाहर क्या हुआ? हमें क्या पता, हम तो कुंडी बंद किए बैठे थे। अरे आज तो गजब हो गया, वो रघु के घर चौकड़े लगा गए थे ना गुंडे। हाँ हाँ, तो ले गए उनकी लड़की को? अरे नहीं रे, गुंडे तो आए थे मगर इन वक्त पर जाने कहाँ से एक लड़की बिजली से आई और देखते ही देखते सारे गुंडों की छुट्टी कर गई। अया अकेली लड़की थी? अरे मैं तो कहती हूँ उस लड़की जैसी बहादुर अगर दो चार हो जाए ना हमारे बस्ती में, फिर किसी की हिम्मत नहीं जो ऐसी मनमानी यहाँ करे। अरे जा माँ, दूसरों की लड़कियों को बहादुरी सिखाती है और अपने से कहती है काली पीली होकर घर में बैठी रहे। क्या करूँ बेटी, मैं तेरी माँ हूँ ना, और फिर मेरा क्या, मालकिन को भी तेरी बड़ी फिक्र रहती है। अरे हाँ देख तो, मालकिन ने तेरे लिए भेजी है। हाँ देख कैसी है। साड़ी ही क्या, हमारी मालकिन भी बहुत अच्छी है। लेकिन अम्मा इस तरह से आखिर कब तक हम उनके एहसान लेते रहेंगे? अब हम भी पढ़ लिख गए हैं, हमारा मन भी करता है कि नौकरी करें कमाएं और मालकिन के एहसानों को धीरे धीरे उतार दें। नहीं बेटी, कुछ एहसान ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं उतारे जा सकते, तू नहीं समझेगी। अम्मा तेरी ये बात तो हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन जब भी हमने उन एहसानों के बारे में जानना चाहा, तूने ये कह के टाल दिया कि अभी तू बहुत छोटी है। ए अम्मा देखना, अब तो हम कितने बड़े हो गए, अब तो बता देना वो सारी बातें मेरी अच्छी अम्मा। अरे तू रो रही है, जाने दे अम्मा, हमें कुछ नहीं पूछना, हमने फिजूल तेरा दिल दुखा दिया, माफ कर देगी ना अम्मा? नहीं मेरी बच्ची, आज या कल ये सारी बातें तुझे बतानी ही थी, आज तुझे उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो बचपन से तेरे दिल में है। बेटी तेरा बाप पक्का जुआरी और शराबी था। तुलसी कहाँ है, बता तुलसी कहाँ है, मैं पूछता हूँ बताते कि नहीं तुलसी कहाँ है? तुलसी मेरे पास है। और सुन लो, उसका तुम्हें साया भी देखने को नहीं मिलेगा। ओ मैम साहब, मालकिन वालकिन होगी इस बुड्ढे की, अपन के कुछ नहीं। हाँ सीधे साधे तरीके से लौंडिया को हमारे हवाले करो, अपन उसका सौदा कर चुका है 5,000 रुपए में। अरे ऐसा जहर मत उगल रहे, मैं तेरी घर वाली हूँ, तू चाहे मुझे मार पीट ले, मैं उससे नहीं करूंगी, मगर अपनी बेटी। अरे चौप, थोड़ी देर मौज मजे के लिए मांग में सिंदूर भर दिया तो मैं तेरा पति हो गया, और खेल खेल में लौंडिया पैदा हो गई तो मेरी बेटी हो गई। तुम इंसान नहीं जानवर हो, जानवर। पार्वती
इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। चलो घर चलो। ओ मैम साहब, या तो लौंगिया को मेरे हवाले करो या 5,000 रुपया। कितना? 5,000 रुपया। लड़की तो तुम्हें नहीं मिलेगी। ये लो, ये बेचकर शायद तुम्हें 5,000 से ज्यादा ही मिलेंगे। चलो पार्वती। ठीक है ठीक है, अपना हिसाब चुकता मैम साहब। कहने वाले बहुत होते हैं, निभाने वाले बहुत कम, लेकिन मालकिन ने जो उस रोज कहा वो आज तक निभा रही है। आज हमने जाना, अगर मालकिन न होती तो ये शरीर शरीर नहीं मिट्टी होता। जाने कहां कहां किन किन पैरों के नीचे रोंदा जाता। हाँ बेटी, मगर भगवान के खेल भी निराले हैं। जिसे इतना बड़ा दिल दे दिया उसी की गोद भरना भूल गए। हम समझे नहीं है माँ। मालकिन, अरे हम तुलसी। तुलसी? अरे तू तो पहचान ही नहीं जाती। क्या करें, आपकी और अम्मा की बात तो माननी थी ना। अच्छी लड़की, बड़ों का कहना मानती है। कहना मानते भी हैं और मनवाते भी हैं। मालकिन जी, अब देख लीजिएगा ये भगवान जी हमारा कहना कैसे मानते हैं। अच्छा, तो क्या मनवाना है तुझे भगवान से? यही कि हमारी मालकिन की सुनी को जल्दी से जल्दी भर जाए। फिर तो भगवान तेरी ये बात नहीं मानेंगे। अरे कैसे नहीं मानेंगे, हमने तो इनसे वचन भी भरवा लिया है, पूरा तो इन्हें करना ही पड़ेगा। मालकिन, अगर अगर भगवान ने हमारी बात मान ली तो आप हमें क्या देंगी? तू नहीं समझेगी तुलसी। लेकिन मालकिन, ये तो हमारी बात का जवाब हुआ नहीं। अगर तेरी बात सच हो गई ना तो मेरा सब कुछ तेरा तुलसी, जो चाहे ले लेना। जो चाहे नहीं, हमें तो बस ऐसे कंगन चाहिए, बिल्कुल ऐसे। देंगी ना? मंदिर में तुलसी मिल गई, सच बड़ी प्यारी लड़की है। पता है भगवान से हमारे लिए वो क्या मांग रही थी? क्या? बच्चा। ले प्रसाद खा लो। अरे पीछे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? बताओ। नहीं। अरे नहीं। दिख नहीं। अरे इसे तुम्हें अभी तक संभाल के रखा हुआ है। क्या करूं रजत, बहुत कोशिश करती हूं लेकिन ये सपना मुझसे जुदा ही नहीं होता। जुदा होना भी नहीं चाहिए। अरे देखना, एक दिन ये सपना तुम्हारे आंचल में होगा, हमारी बाहों में होगा। मुझे बहलाओ मत, मैं जानती हूं तुम्हें बच्चों से कितना प्यार है। सिर्फ मेरे कारण तुमने अपनी चाहत को कभी जाहिर नहीं होने दिया। रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम्हें खुश देखना चाहती हूं। तुम दूसरी शादी कर लो रजत। तुमने जो कहा है तुम उसका मतलब जानती हो मुक्ता। तुम्हें याद हो या ना हो लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, जब तुम पहली बार इस बेडरूम में आई थी तो तुमने कहा था यह कमरा मेरा मंदिर है और तुम उसके देवता हो रजत, और इस पवित्र जगह को अगर किसी ने गंदा करने की कोशिश की तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकूंगी। तुम्हें याद है?
मुझे सब कुछ याद है। सब कुछ याद है ना, इससे पहले कि तुम अपना स्टेटमेंट बदल लो जल्दी से अपनी मोर लगा दो। मोर? हाँ, नहीं समझे? बुद्धू एकदम बुद्धू। आंटी, गीता आंटी। हेलो बेटे। कितना अच्छा किया तुम आई, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। सच? अब देखो हफ्ता भर से पहले जाने नहीं दूंगी। हफ्ता भर? मुझे तो दम भर की फुर्सत नहीं है। कल आश्रम का एनुअल डे है, मैं तो बस पूना जाते में थोड़ी देर के लिए रुक गई। तो तुम आई कहाँ से हो? दिल्ली से, भैया का मैसेज है। पापा का मैसेज? तेरे पापा ने तुझे बुलाया है। पापा ने मुझे बुलाया है? क्या मजाक करती हूँ आंटी, मैं तो पापा को हमेशा के लिए नाराज कर चुकी हूँ। अरे नहीं, यही सब बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। तेरे पापा बिल्कुल बदल गए हैं जैसे ही पिंकी के रिश्ते की बात चली। पिंकी का रिश्ता? लड़का इंजीनियर है, घर वाले भी खासे रईस हैं, पर जानती है भैया ने क्या कहा? बोले रजत को पसंद करके मुक्ता ने मेरी पसंद को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। अब जब तक मुक्ता ही आकर लड़के को अप्रूव नहीं करती, मैं ये रिश्ता पक्का नहीं करूंगा। अरे क्या हो गया तुझे? यह सब बताकर तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया आंटी। ऐसा करते हैं तुम और मैं दोनों दिल्ली जाकर सारा फाइनल कर देते हैं। नहीं मुक्ता, शादी ब्याह के शुभकाम में मेरा होना ठीक नहीं। क्यों गीता आंटी? तलाक लेकर मैंने अपने ही हाथों अपना सुहाग खो दिया। आंटी अब अंदर भी चलोगी या यहीं खड़ा रखोगी? पूरा एक हफ्ता। मेरी राय में तुम और रजत कल ही दिल्ली चले जाओ। आंटी रजत का जाना तो मुझे मुश्किल लग रहा है, एक बहुत बड़े शो की तैयारी में लगा हुआ है। अच्छा? लेकिन मैं फिर भी बात करके देखती हूँ, चांसेस आर वेरी रेयर। पार्वती। नमस्ते जी। कैसी हो पार्वती? अच्छी। पार्वती इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। हाँ। गीता आंटी तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं इन्हें लेकर आती हूँ, नाश्ता साथ में करेंगे। अच्छा। आइए। जनाब। अरे ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे क्या हम रिहर्सल कर रहे हैं? रिहर्सल का वक्त अभी हुआ नहीं है, नहाए नहीं, पेपर नहीं पढ़ा और सीधा पहुंच गए अपनी सौतन के पास। शीतल जानती हो ये सौतन किसे कहती है? माफ कीजिएगा शीतल जी, सिर्फ रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक का वक्त मेरे हिस्से में आता है, बाकी सारा वक्त ये और इनकी सौतन। चलो उठो। मेरी चाय। चाय गीता आंटी के साथ पियेंगे। गीता आंटी? हाँ। वो कब आई? अभी अभी। मिल गया तो। आहा, ठीक 9 बजे, उससे 1 मिनट भी पहले नहीं। आप कुछ लेंगे ठंडा गरम? जी कुछ तो पीजिए। नो थैंक्स। एक्सक्यूज मी। सौतन 9 से 9 तक। समझती है मैं बेवकूफ हूँ, मखमल में लपेट कर मारी की तो मैं समझूंगी नहीं, लेकिन मिसेस रजत वर्मा तुम्हें पता नहीं है कि तुम शीतलपुरी से टकराई हो। एक दिन ऐसे तेरे मियाँ को छीन कर ले जाऊंगी तुझसे, फिर उम्र भर घड़ी देखती रहना 9 से 9 तक। देखो भाई मेरा आना तो बहुत मुश्किल है। हाँ मुक्ता कह रही थी तुम बहुत बिजी हो, ऐसा करो तुम मुक्ता को ही भेज दो, हो सके तो कल ही। शुगर प्लीज। हाँ आंटी इसका जाना बहुत जरूरी है क्या? देखो आप कुछ नहीं, मैं तो जा रही हूँ। पार्वती। जी मालकिन। देखो भाई मैं तो अपने मैके जा रही हूँ, अब ये घर और ये तुम्हारे साहब तुम्हारे हवाले, तुम तो इनके रंग ढंग अच्छी तरह से जानती हो ना। कल से तुम्हें सुबह शाम नहीं सारे दिन यहाँ रहना पड़ेगा। जी। अब तो जनाब मैं चली। चली? जी। आप चिंता ना करें मालकिन, हम साहब को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। सारे बस्ती वालों आज बसंत पंचमी का त्योहार है, आज के दिन ऐसा गाना बजाना होना चाहिए, ऐसा हंगामा होना चाहिए कि बंद करो ये तमाशा। लगता है तुम लोग बांके को भूल गए कि उसके आदमियों पे हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम सबको तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मुझे वो चूया चाहिए जो साली अपने आप का अमिताभ बच्चन समझती है। कहाँ है वो
हरामजादी। भगवान कसम बाके उस्ताद, हम लोग तो खुद हैरान है कि वो लड़की कौन थी। आंधी की तरह आई और तूफान की तरह गायब हो गई। चुप! अबे देखा का है तूने आंधी तूफान? लेकिन अगर उसका पता ठिकाना नहीं बताया तब दिखाऊंगा तुझे आंधी तूफान। शमशान बना दूंगा इस जगह को, शमशान। क्या नाम है उसका बताओ, कौन है वो? ठीक है, नहीं बताओगे हाँ तो सबसे अलग अलग पूछना पड़ेगा। बोल, कौन है? मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है उसका? नहीं मालूम है मुझे। नहीं मालूम? अरे भाई बाप, मुझे छोड़ दो। बोल, मुझे नहीं मालूम उस्ताद। नहीं मालूम? नहीं मालूम है मुझे। आहा, तुझको तो जरूर पता होगा जानी। हाय, नहीं पता? बोल, नहीं पता? सच नहीं पता? नहीं। हरामजादो, मुझे उस कुतिया का नाम बता दो वरना। Thank you.
अरे कृष्णा जल्दी से डॉक्टर को बुला के ला तू जल्दी। अम्मा अम्मा तुलसी वो तू ही थी ना। लेटे रहे अम्मा, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। डॉक्टर को क्या पता मेरे रोग का कारण मेरी बेटी है। बता तो सही क्यों अपनी जान देने पर तुली है। जानती है ना तुझे छोड़ मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो हमारा भी और कौन है तेरे सिवा। अगर अगर तुझे कुछ हो गया तो अम्मा। तुलसी अगर तू चाहती तेरी अम्मा थोड़े दिन और जिए तो मुझे वचन दे आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगी। इस काले रंग को शरीर से कभी नहीं हटाएगी। ठीक है अम्मा दिया वचन। अब ये सारी चिंता विंता छोड़कर तू आराम कर। बस तुलसी मेरी बच्ची। तुम जानते हो रजत अगर जाना जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी जाती। अगर हमारा शो ना होता तो हम तुम्हें अकेला जाने देते। लेकिन तुम घबराओ नहीं अपने टेप रिकॉर्डर पर ना मैंने कुछ खूबसूरत धुनें टेप करके रखी है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए ना उन्हें सुन लेना मैं झट से पास आ जाऊंगी। सच? मुझसे बैर लेने वाली मुक्ता वर्मा आज तेरे पति की रखवाली कौन करेगा। हाय हाय शीतल तुम सवेरे सवेरे। हाँ मैंने सोचा 24 घंटे बीवी के आगोश में रहने वाला रजत वर्मा कहीं अकेले घबरा ना जाए। दरअसल मैं सोच रहा था कि पिछले 7 सालों में इस घर में मुक्ता के बगैर मैंने एक सांस भी नहीं ली तो फिर ये 7 दिन कैसे गुजरेंगे। इतना याद कीजिएगा उन्हें तो जीना मुहाल हो जाएगा। कुछ और सोचिए अगर कुछ नहीं सोचता तो मेरे बारे में ही सही। अरे आजकल तुम्हारे बारे में तो सोचता रहता हूँ कि तुम्हें किस तरह पेश करूं तुम्हें किस तरह सजाऊं क्या नया आइटम बनाया जाए। ऐसा ही एक आइटम मैं सोच कर आई हूँ शायद तुम्हें पसंद आ जाए। मैं देखता हूँ। जी चाहता है आने वाले को थप्पड़ मारकर भगा दो। नमस्ते जी नहीं पहचाना ना। चलिए जल्दी से नहा धो लीजिए। ठीक 8 बजे आपकी कॉफी का टाइम होता है। दूध कम शक्कर बिल्कुल नहीं। फिर पूजा नाश्ता 8:30 बजे और 9 बजे रेसल वाली मेम साहब आती हैं। और अरे आप कौन। आप रेसल वाली मेम साहब लगती हैं। लेकिन आपका टाइम तो 9 बजे के बाद होता है इतनी जल्दी क्यों आई। मैं पूछती हूँ यह है कौन। साहब से डांट कर बात करती है देखा नहीं। हमने अभी तक इनको अपना नाम नहीं बताया। हम तुलसी है साहब। रात अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो हमने उसे कहा हम चले जाते हैं। तुलसी हाँ इतनी बड़ी हो गई तू। शीतल ये 7 साल के बाद इस घर में आई है और इस घर के बारे में एक एक चीज जानती है। मुझे कॉफी कितने बजे चाहिए मुझे नाश्ता कितने बजे चाहिए मुझे किस चीज की जरूरत है किस चीज की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। खजूर से टपके तो बबूल में अटके। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो जाओ जाके किचन में अपना काम देखो। कोई चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। हम बेडरूम में रिहर्सल करने जा रहे हैं। बेडरूम नहीं समझी। हाँ समझ गई। हम तो समझ गए पर तूने बाकी और उसकी आदमियों की दुर्दशा नहीं देखी वरना तू भी समझ जाती। और रजत ऐसी आइटम है कि सुध-बुध खो बैठोगे। मालिक की सुध-बुध बुलाएगी। अरे छुट्टियां काट कर हाथ में दे देंगे। हाँ loving with another girl and playing
with the Navajo. Placing high stakes, making hearts ache. He's loved in seven languages. Diamond lights and ruby lights. High in the sky. Heaven help him. खैर अभी आते हैं और तेरे को ठीक करते हैं। आपकी कॉफी दूध कम शक्कर बिल्कुल नहीं। किसने कहा था तुम्हें कॉफी लाने? जी इस घर की मालकिन ने। अब मेम साहब रिहर्सल हॉल में कीचे, हमें इस कमरे की सफाई करनी है। स्टुपिड। और वैसे भी मालकिन अपने बेडरूम में किसी को नहीं आने देती, क्यों साहब? ठीक है ना? नो। ये लो चाय, सॉरी कॉफी, ये भी तुम्हारे लिए। जी अगर ऐसी बदतमीज नौकरानी मेरी होती तो इसे धक्के मार के बाहर निकाल देती। घबराओ मत, आज पहला दिन है, कल से यही प्रोग्राम किया जाएगा। रिहर्सल शुरू करें? जब तक वो काम करके चली नहीं जाती मैं कुछ नहीं करूंगी। करती रहे इंतजार, ठेंगा जाता है हमारा। कुछ फोक म्यूजिक सुनोगी? मुक्ता ने जाने से पहले कहा था कि मैंने एक नया फोक म्यूजिक रिकॉर्ड किया है, अकेले में सुनना। हाउ इंटरेस्टिंग, जो तुम्हें अकेले में सुनाना चाहती थी वो तो मैं जरूर सुनूंगी। जी जरा सुनिए। चलने दीजिए, शायद कभी काम आ जाए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे ऐसे मुंह लटकाए क्या बैठे हो? अरे भाई जरा मुस्कुराइए। ये हुई ना बात। अच्छा अब जरा ध्यान से कुछ काम की बातें सुन लो। नंबर एक, तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर मल्टीविटामिन टैब्स रखी हैं। रोजाना लेते रहना, बिल्कुल भूलना नहीं। नंबर दो, मेरे ना होने पर यूं तो शेव की जरूरत ही नहीं, फिर भी अगर चाहो तो बड़े आने के कबर्ड में शेविंग किट रखा है। और हाँ अब सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात। डार्लिंग ये शीतल है ना, बड़ी तेज चीज लगती है मुझे। जब देखो तुम पर ढोरे ही डालती रहती है, उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं, उससे बच के रहना तुम। तो ये इज्जत है मेरी इस घर में, मैं अभी मिस्टर शफी के ऑफिस में जा रही हूँ। शीतल गुस्से में काम बिगड़ जाते हैं, मैं मुक्ता की तरफ से। मिस्टर रजत वर्मा गुड बाय। मिस्टर शफी ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट और ये साइनिंग अमाउंट। शीतल मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं आपके शो में काम नहीं कर सकती, हरगिज नहीं। अरे भाई पर बात क्या है बताओ तो सही। रजत जैसे घटिया और हिपोक्रेट आदमी के साथ काम करने की मुझे आदत नहीं है मिस्टर शफी। लेकिन रजत के बिना अगर आपको शो करना है तो शीतल या रजत में से आपको एक को चुनना होगा। ओफो, लेकिन पता तो चले कि रजत ने किया क्या है। कुछ नहीं शफी साहब कुछ नहीं, बस ये समझ लीजिए कि ये हमारी आपस की प्यार भरी तकरार है और आपसी में हम इसे सुलझा भी लेंगे। आओ चलो। मेरा रास्ता छोड़ो रजत, आई हेट यू। अरे भाई आप लोग आपस में डायलॉगबाजी करते रहेंगे या हमें भी कुछ बताएंगे? अरे शफी साहब कुछ नहीं और बस ये समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक नई नौकरानी आई है, बेचारी अनपढ़ है जाहिल है, इसलिए थोड़ी सी बदतमीजी कर ली इनके साथ। वो बेचारी तो अनपढ़ और जाहिल है मगर आपकी बीवी तो पढ़ी लिखी होकर भी जाहिल निकली। शीतल ऐसे कौन से सुर्ख आपके पद जड़े हैं उनके पति देव में जो हर लड़की उनके पीछे भागेगी? थर्ड रेट विकेट वुमन। दिस इज टू मच शफी साहब। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट या घर की इज्जत खोकर मैं भी कुछ पाना नहीं चाहता। इज्जत सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी है रजत, अगर तुम्हारा कोई घर बार है तो सड़क पर मैं भी नहीं पड़ी हूँ। सड़क पर? कल तक तुम सड़क पर ही थी, कौन जानता था तुम्हें, किसने बनाया तुम्हें? मैंने। आज तुम जो कुछ भी हो मेरी बदौलत हो, जानती हो? तो जाइए रजत साहब, एक और शीतल बना डालिए ना, जिसके पास मेरे जैसा हुनर हो, मेरे जैसा लोच और मेरे जैसा जिस्म हो। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय। ना अब क्या करेंगे जनाब,
तुम तो जानते हो शो होने में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, सिर्फ 15 दिन। और ये भी जानते हो कि शो कैंसल होने की सूरत में अमेरिका में की गई लाखों की पब्लिसिटी का हर्जाना मुझे करोड़ों में चुकाना होगा। कहां से लाऊंगा इतनी बड़ी रकम मैं? अरे अपने आप को बेचकर भी नहीं ला सकता। अब यहां खड़े खड़े मुंह बनाए क्या देख रहे हो तुम? कुछ करो भाई। और सुनो रजत, इस बीच अगर तुमने शीतल का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा तो अपने नुकसान की पाई पाई मैं तुमसे वसूल करूंगा, तुमसे। हंस रहा है, हंस ले, तू भी हंस ले हमारी मजबूरी पर। हाँ, दुनिया तो कल हंसेगी हम पर, तू आज ही हंस ले। हाँ, हंस ले। लोग तो तुझे दाता कहते हैं, दाता, लेकिन लेकिन तू कैसा दाता है? हाँ, चुटकी भर खुशी देकर एक बार हंसा दिया तो झोली भर छीन कर 1000 बार रुला दिया। मुझे कितनी अच्छी बीवी दी, इतना प्यार दिया, फिर एक बाज की तरह झपट कर सारी खुशियां छीन ली मेरी, मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे, मुक्ता की गोद उजाड़ डाली। वो रोने लगी, हाँ रोती रही, वो तो रो सकती थी, मैं तो रो भी नहीं सकता था। और तू तब भी हम पर हंस रहा था, नहीं तू हंस हंस कर हमें रुलाने की नई चालें सोच रहा था। नाम दे दिया, इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, कामयाबी दे दी, और फिर शीतल को शोला बनाकर मेरी खुशियां में अचानक आग लगा दी। सब खत्म हो गया है, और मैं कहता हूं सुनने, सब खत्म हो गया है। अरे हट, तूने आई आग, तू हंसी थी ना शीतल पर, तू और तेरी वो मालकिन, दोनों ने मिलकर उड़ाया है मजाक उसका। आप दोनों मिलकर मजाक उड़ाओ मेरा, हंसो मुझ पर और मेरी मजबूरियों पर। हाँ, कल कुछ नहीं रहेगा, ना ये घर, ना ये रजत, ना ये इज्जत, ना ये मान, ना ये मर्यादा, कुछ नहीं। रजत और मां, हंसो दिल खोल कर हंसो, लेकिन बताओ 15 दिन के अंदर कहां से लाओगे शीतल जैसा हुनर, शीतल जैसा जिस्म, शीतल जैसा लोच। बोल, क्या तू ला सकती है? बोल, ला सकती है शीतल को? तू ला सकती है? बोल, कहां से लाएगी शीतल को? बोल। Thank you.
बिखरा तन्ना चे मन्ना चे तन मंडोले ओ मस्त पवन मस्त पवन सावन की सहेली पूजे कोई रुत की पहेली मन मीता मौसम आया फिर गीला मौसम आया मन मीता मौसम आया फिर सुभान अल्लाह भाई वाह 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 रजत कमाल कर दिया तुमने यार अरे इन्हें देखकर तो हमें शीतल पर वेस्ट किए हुए पैसों का भी मलाल नहीं रहा ये लो ब्लैंक चेक सिग्नेचर हमने कर दिए अमाउंट जितना तुम चाहो भर देना ऐसा सजाना संवारना ही नहीं कि बस देखने वालों की आंखें चौंधिया जाए बेबी तैयार हो जाइए परसों की पार्टी में आपको ऐसे जलवे के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आप भी क्या याद करेंगी हाय सुन लिया तुमने अब घर जाकर इतने सपने देखो जितने आसमान में सितारे चलो यहाँ क्यों खड़ा हो गए ले चलो इसे अम्मा क्या हो क्या गया है तुझे वो सब के सब पकड़े गए ले गई पुलिस गाड़ी में भर के किसकी बात कर रही तू वही बाकी और उसके साले नहीं नहीं वो उसके चमचे भूल गया सारी की सारी चौकड़ी लगता है अम्मा किसी ने उनकी रिपोर्ट कर दी हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है अब हम बस्ती वाली चैन की नींद सो सकेंगे ए अम्मा फिर तो अब इस काले रंग की जरूरत नहीं है ना नहीं अरे वाह कितने भी पिला दे यार इससे प्यास बुझने वाली नहीं है यार प्यास तो उल्टे और भड़का दिए इन्होंने उस जलवे की तारीफ कर करके और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें हमें डर लग रहा है साहब अब नहीं लगेगा एक मिनट पसीना पहुंच लो ओह ब्यूटीफुल शमा बुझाओ के सैलाब नूर आया है
या फलक से कोई तारा ही उतर आया है। वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, यही वो समय महफिल है जिसका आपको बेचैनी से इंतजार था। गिव अ वेरी बिग हैंड, अ वेरी बिग हैंड, दैट्स इट। हाजिरीन हाजिरीन हाजिरीन, जब पहली बार हमने इन्हें देखा तो लगा कि यही है हुस्न व शबाब की वो रंगीन तस्वीर जिसे हम न जाने कब से ख्वाबों में देख रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा है कि वही हसीन ख्वाब आज हमारे आगोश में है। इस हसीन लम्हे की कसम, इनके लिए हमने अपने दिल और दौलत के दरवाजे पूरे खोल दिए हैं। जमाना देखेगा कि स्टेज की स्टार बनने से पहले मैं इन्हें स्टार बना दूंगा, अ रियल स्टार। इन्हें वो सब मुहैया कराऊंगा जो शायद किसी मलिका के मुकद्दर में भी नहीं। शानदार बंगला, रोल्स रॉयस कार और एक इशारे पर दौड़ने वाले 100-100 खादिम जिनमें ये नाचीज भी होगा। तुम इतने गिर सकते हो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। है? कलाकारों को काम का मौका देने का मतलब ये नहीं है कि तुम उनके जज्बात उनके जिस्म भी खरीद सकते हो। इस वक्त तुम नशे में हो इसलिए छोड़ देता हूं, वरना बता देता कि एक लड़की का अपमान करने का नतीजा क्या होता है। एक बात और सुन लो, अब ये तुम्हारे शो में काम नहीं करेगी, हरगिज नहीं, ना ये ना मैं। जो किया हमारे खातिर किया, हमारे इज्जत के लिए किया, लेकिन लेकिन हमारी इज्जत से बढ़कर आपके घर की इज्जत मान मर्यादा भी है साहब। हमें मालूम है पहले भी आप कितने परेशान थे जब शीतल ने काम करने से मना कर दिया था। छोटे लोगों की खातिर आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया साहब? गाड़ी को भी अभी खराब होना था। कोई बात नहीं साहब, बस्ती करीब ही है, हम चले जाएंगे। एक काम करो, तुम घर जाओ। जी अच्छा। मालकिन की साड़ी वापस करने आए हैं। नहीं साहब नहीं, आप और नहीं पिएंगे, हम आपको नहीं पीने देंगे। आ...
तुम? हाँ मैं। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ नहीं, वह अचानक तुम आ गए। अचानक? कल सारा दिन फोन करती रही, कोई उठा ही नहीं रहा था, घंटे बजती रही। फिर मैं समझ गई, बारिश के दिन है, फोन डेड होगा। अरे ऐसी क्या सूरत बना के रखी है? नहीं नहीं, वो क्या है, हाँ? तुम यहाँ नहीं थी। मैं समझ गई, तुमने मुझे वैसे ही मिस किया होगा जैसा मैंने तुम्हें। अरे हाँ, तुम्हारी ग्रैंड रिहर्सल कैसी रही? शफी साहब को शीतल पसंद आई कि नहीं? हाँ वो सब ठीक है, ठीक है। लेकिन दिल्ली में तो सब अच्छे हैं ना? बिल्कुल। अरे हाँ, आपकी स्वीट साली ने प्यारे जीजा जी के लिए कुछ स्पेशल भेजा है। स्पेशल क्या? दू? अच्छा तो ये बात है, हमारी गैर हाजिरी में बेरोक टोक पी है, इसलिए इसे मजनू जैसी सूरत बना के रखी है। देखो जनाब, मुझे सेटल हो जाने दीजिए, फिर आपकी क्लास ली जाएगी, समझे? समझ गया। चलो रजत, गेट रेडी। क्या कर रही है? जी हम काम करने आए मालकिन, आप जब से गई हैं तभी से अम्मा बीमार पड़ी हैं, इसीलिए आजकल हम यहाँ का सारा काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तुलसी कल रात तो घर कितने बजे गई थी? रात को हम यही कोई 9 बजे। सुन, तब तक यहाँ कोई आया था? जी नहीं तो मालकिन। अच्छा ठीक है, जा अपना काम कर। तुलसी। जी मालकिन। रात तो कितने बजे गई थी? जी हम तो मेरे बिस्तर में कौन सोया था? मालकिन हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता? मालकिन कहा तो निकल जा यहां से, निकल जा। मालकिन
रॉन्ग नंबर। मुक्ता, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। ना ही कहो तो अच्छा है, गंदगी को कुरेद कर बदबू फैलाने से क्या फायदा। तुम्हारी चाय? मैंने पी ली। चाय मीठी नहीं करोगी? मीठी? कहीं कड़वी ना हो जाए। अरे भाई फटाफट आ जाओ, बहुत भूख लगी है, पेट में तबला और सारंगी एक साथ बज रहे। वाह आओ भाई, ये हुई ना बड़े बड़े, क्या सब्जी बनाई, वाह। मुझे भूख नहीं है। अरे भाई कमरे का नक्शा ही बदल डाला है, अरे लगता है बहुत सफाइयां हुई है, ना दाग है ना धब्बा है। चादरों पर लगे हुए दाग तो साफ किए जा सकते हैं, लेकिन दिल पे लगे हुए दाग कभी नहीं मिटाए जा सकते। मुक्ता, जब एक कैदी को फांसी की सजा होती है ना, उसे अपने दिल की बात बोलने का मौका दिया जाता है, क्या वो मौका मुझे नहीं दोगी? अब कहने को बाकी क्या रह गया है? मुक्ता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ये बिस्तर किसका है? मेरा। What do you mean? पति पत्नी होने के बावजूद हम अजनबियों की तरह रहेंगे? अजनबी तो तुमने मुझे तभी बना दिया था जब इस पलंग पर, इस बिस्तर से मुझे पराई औरत के जिस्म की बू आती है। मुक्ता, अगर तुम्हारा इसी तरह का बर्ताव रहा तो एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो जाएगा। आदाब अर्ज है भाभी। अरे आप? आदाब अर्ज है। सवेरे ही सवेरे। क्या है कि जैसे ही पता चला कि आप यहाँ पर हैं, तो सोचा भाभी जान के दरबार में जाकर अर्जी लगा दी जाए। समझ गई, शो की तारीख बताने आए हूँ। अरे तौबा कीजिए भाभी, कैसा शो और काहे की तारीख, यूँ समझ लीजिए दी एंड का पर्दा गिरने वाला है और आखिरी सीन में इस गरीब के हाथों में हथकड़ियाँ होंगी। क्यों मजाक कर रहे हैं आप? मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ भाभी, मजाक तो मेरे साथ किस्मत कर रही है। बैठिए। पहले तो शीतल शो से वॉकआउट कर गई। शीतल शो से वॉकआउट कर गई, लेकिन क्यों? वो कुछ ठीक से तो पता नहीं है, पर कुछ लफड़ा जरूर हुआ था उसके और रजत के बीच। खैर छोड़ो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि बाद में रजत जिस लड़की को पूरी तैयारी के साथ स्टेज पर ले आए, वो शीतल से हर मानो में 100 गुना अच्छी थी। अरे भाभी बिजली थी बिजली। भाभी इस नई लड़की को इंट्रोड्यूस करने के लिए परसों रात एक पार्टी रखी। अब आप तो जानती हैं
कि पार्टी वार्टी में पीना पिलाना तो हो ही जाता है। हम भी मूड में आ गए, थोड़ा बहक गए और शायद रजत की इस नई लड़की के साथ थोड़ी लिबर्टी ले बैठे। ओफ, यूं समझिए आफत आ गई। साहब हम माफी मांगे जा रहे थे, लेकिन ना, आपके पतिदेव तो आपे से बाहर, लड़की का हाथ पकड़ा और ये जा वो जा। अब क्या बताऊं भाभी, ऐसे पजेसिव हो रहे थे उस लड़की के लिए जैसे वो उनकी आर्टिस्ट नहीं बीवी हो। एक तो बदतमीजी करते हो, मिसबिहेव करते हो, ऊपर से मेरे खिलाफ मेरी बीवी को भड़काते हो। अरे भाई रजत, तुम तो फजूली भड़क रहे हो। मैं तो यहाँ पर ये कहने आया था कि तुम अगर काम नहीं करना चाहते तो ना सही, कम से कम उस लड़की का आता पता तो बता दो, ताकि हम जाकर उससे माफी मांग ले, कम से कम शो तो नहीं रुकेगा। नहीं बताऊंगा। देख रही है भाभी आप इनकी ज्यादतियाँ? बता ही दीजिए, सिर्फ नाम ही तो पूछ रहे। नहीं नहीं बताऊंगा ना तुम्हें। देखा भाभी आपने, मुंह फुला कर चले गए। अब मैं करूं भी तो क्या करूं, सब्र की भी तो हद होती है। अब इसके आगे अगर मुझे कोई कदम उठाना पड़े तो कसूरवार मत ठहराइएगा। आधा वर्ष है की आग ना जाने कब से मेरे अंदर चल रही है, लेकिन मैं तुम्हें पल दो पल के लिए नहीं, हमेशा के लिए पाना चाहती हूं। इसीलिए आज की रात छोड़ दिया। परेशान मत हो, कल रात तुम्हें नशे में बेहोश देखा इसीलिए यहां ले आई। तुम्हारी हालत देखकर मुझे बेहद दुख हुआ रजत, तुमने पहले तो कभी इतनी नहीं पी। मैं जानती हूं मेरी बातें तुम्हें कुछ अजीब लगेंगी, क्योंकि देखने में मैं आज भी वही शीतल हूं जिसने तुम्हें और मुक्ता जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सच, मैं तुम्हारे घर को टूटता हुआ नहीं देख सकती रजत। अगर मुझ पर विश्वास कर सको तो ये नई शीतल तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। अब सच सच बताना, मुक्ता जी से झगड़ा हुआ है ना? झगड़े कहाँ नहीं होते रजत, इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी घर छोड़ दे। अच्छा उठो और मुक्ता जी को फोन मिलाओ। कम ऑन यार, तुम नहीं समझोगे। समझने की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। अच्छा तुम कपड़े बदलो, मैं फोन मिलाकर लाती हूं। ओके, हेलो मिसेस रजत बोल रही हूं। हेलो मुक्ता जी, मैं शीतल बोल रही हूं। रजत घर पे नहीं है। रखेगा मत,
बात करनी है। देखिए ये बात तो मुझे मालूम है कि रजत जी वहाँ नहीं है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि वो इस वक्त यहीं है, यानी कि मेरे घर। दरअसल रात उन्होंने बहुत पी ली थी, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई अपने साथ। उनसे तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन लगता है आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ है। प्लीज मुक्ता जी, मैं संभाल के रखी उन्हें। देखिए ना, अब जो रात उन्होंने आपके साथ बितानी थी घर पर, वो मजबूरन उन्हें यहाँ गुजारनी पड़ी मेरे साथ। तुम झूठ बोल रही हो, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हाँ होना तो नहीं चाहिए था, मगर ऐसा ही हुआ है। अब आप उनसे बात करके खुद ही सच और झूठ का फैसला कर लीजिए। प्लीज होल्ड ऑन। लो बात करो। मुक्ता जी हैं, कितनी बेचैन है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। हेलो, क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया? हुआ नहीं, क्या गया, मैं जानता था यही होगा। अरे पागल हो तुम तो, मुक्ता जी तुम्हारी बीवी है, रूठना तो उनका हक है और मनाना तुम्हारा फर्ज। अब चलो उठो और चलकर मुक्ता जी को मनाओ। अरे डरते क्यों हो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारी मॉरल सपोर्ट बनकर। कम ऑन, कम ऑन यार। मुक्ता जी, मुक्ता जी, देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। लगता है मुक्ता जी घर पे नहीं है। हो सकता है कहीं बाहर गई हूँ। भाई ये भी खूब रही, आप मुझे मुक्ता जी के हाथ की कॉफी पिलाने वाले थे। खैर छोड़िए, मैं आपको कॉफी बनाकर पिलाती हूँ। अच्छा तो अभी कोई नई देवी ले आए हैं आप? नहीं मुक्ता जी, मैं तो वही पुरानी वाली हूँ। नमस्ते। मैंने समझा कि आप हैं नहीं, इसलिए आपके पति को एक कप कॉफी बनाकर पिला रही थी। आई होप यू डोंट माइंड इट। ओह नॉट एट ऑल। वैसे मेरे पतिदेव को आजकल मेरे हाथों के बजाय आप जैसी लड़कियों के हाथों बनाई कॉफी पीने में ज्यादा मजा आता है। कम ऑन मुक्ता, शी इज माय आर्टिस्ट, ये मेरी दोस्त है। ओह कितने लकी हैं आप, कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं आपके, जो मेरी गैर मौजूदगी में किचन से लेकर बेडरूम तक सब संभाल लेते हैं। तुम शीतल को गलत समझ रही हो मुक्ता, सच बात तो यह है कि यही मुझे समझा बुझा कर यहाँ लेकर आई है। तुम्हारे लिए इसके दिल में बेहद इज्जत है। इज्जत? खूब समझती हूँ मैं इन जैसी लड़कियों को, ये सब चाले हैं मर्दों को फंसाने की। ओह दैट्स इनफ, बहुत हो गया। मैं तो आप दोनों की यहाँ सुलह कराने आई थी, मुझे क्या मालूम था कि। शुक्रिया रजत मेरी बेइज्जती कराने का। शीतल, मगर जाने से पहले एक सलाह जरूर देना चाहती हूँ मुक्ता जी। आपके पति का काम ऐसा है कि इन्हें रात दिन नई नई लड़कियों में घिरा रहना पड़ता है। अगर आप इन पर यूं ही शक करती नहीं तो एक दिन इन्हें जरूर खो देंगी। शीतल, तुम कॉफी पिए बगैर नहीं जाओगी। बेइज्जती का इतना सारा जहर पीने के बाद अब कॉफी की कसर बाकी है क्या? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुक्ता, पढ़ी लिखी समझदार होने के बावजूद तुम गवारों की तरह पेश आई। मैंने जो किया वो ठीक ही किया, अब तुम्हें जो करना है वो बेशक कर डालो। बात को आगे मत बढ़ा मुक्ता। मैं जानती थी अब यही सब होगा, बार बार मेरा अपमान, इसीलिए मैं जाना चाहती थी। मगर तुम समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए, तुम्हें घर में एक बीवी भी चाहिए और ऐश करने के लिए बाहर प्रेमिकाएं भी। खामोश। हाँ तुम मुझसे उब गए हो, क्योंकि अब तुम वो रजत नहीं रहे जो सर से पांव तक मेरे प्यार में डूबे रहते थे। अब आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं रजत वर्मा, बड़ी बड़ी कामयाबियां, सैकड़ों लड़कियां, अब तुम्हें मेरी जरूरत ही क्या है? नहीं मेरे पास वो जवानी रही, नहीं मैंने तुम्हें वह औलाद दी। Thank you.
मुक्ता एक भीख दे दो, यहां से मत जाओ। ये तुम्हारा घर है, गुनाह मैंने किया है, सजा भी मैं ही भुगतूंगा। मंदिर जैसे इस घर में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं, मैं जा रहा हूं और फिर कभी नहीं आऊंगा तुम्हें परेशान करने के लिए। मेरी तरफ से तुम आजाद हो, फिर भी अगर तुम या तुम्हारे पिताजी इसे कानूनी रूप देना चाहें तो मैं डाइवोर्स पेपर साइन कर दूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इससे पहले के याद तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इससे पहले के याद तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। मुझको गम है तेरी जुदाई का, रंज है अपनी बेवफाई का, अपने वादे से फिर गया हूँ मैं, अपनी नजरों से गिर गया हूँ मैं। इससे पहले कि तू मुझे छोड़े मुझको टुकरा मेरा दिल तोड़े, अपना दिल खुद मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। तेरा हर जाई साथ ले जाऊंगा ये रुसवाई, दाग दामन से ये मिटा दूंगा, खुद को इतनी बड़ी सजा दूंगा। इससे पहले के लोग ताने दे तेरे आंसू न मुझको जाने दे, ये ताल्लुक मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा।
कुछ ऐतबार तो होगा, तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये तेरा अंदाजा। इससे पहले कि आह दिल भर दे सब गुनाहों को माफ तू कर दे, ये भरम भी मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इससे पहले के याद तू आए मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। कौन संतोदाई? आवा इधर से गुजर रही थी, सोचा तेरा हाल चाल पूछती चलूं। कैसी तबीयत है अब? पहले से तो ठीक हो, थोड़ी सी कमजोरी। कमजोरी तो होगी पार्वती, बीमार जो ठहरी तू। हाँ मगर आजकल अपनी तुलसी भी एकदम कमजोर दिखती है, बिल्कुल पीली पड़ गई है ऐसी पत्ते जैसी। क्या करूं, जब से मैंने खाट पकड़ी है बाहर भीतर का सारा काम उसी पे आन पड़ा है, कमजोर तो होगी। हाँ वो तो है ही, कल तो बेचारी नल पे चक्कर खा के गिर पड़ी थी। क्या कह रही है, मुझे तो उसने कुछ कहा ही नहीं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ पार्वती? कहो। मैं दाई हूँ, अब तक सैकड़ों बच्चे जनवा चुकी हूँ, मैं 100% कहती हूँ कि तुलसी के पेट में बच्चा है। क्या फिर से तो कहियो? हाँ चुड़ैल, अरे निकल जा यहाँ से। क्या हो गया तुझे? निकल जा मेरे घर से, मुंह काला कर अपना। अरे जा बड़ी आई, मेरा मुंह काला करने वाली मुंह काला करेगी तेरी लौंडिया। ऐसा मजाक चुखाऊंगी कि जिंदगी भर याद करेगी। हाँ एक तो किसी को काला करो। अभी जो कुछ सुना वो सच है? जवाब दे, वो सच है? आरामजादी, अम्मा, अरे हम तो बर्बाद हो गए मालकी, लुट गए। इसका मत ने मुझे कहीं का ना छोड़ा, ना जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है पापी। क्या किया इसने? पेट से है मालकी, पेट से। आप यहाँ थी नहीं और मैं मरी खाट से लगी थी, बस पर निकल आए इसके। सुबह सुबह निकल पड़ती थी, कहती थी मालकिन के घर जा रही हूँ, आप देखो ये क्या कर बैठी, यहाँ का नाम लेके कहाँ कहाँ गुलछर्रे उड़ाती रही है चुड़ैल। बस एक बार मिल जाए इसे बर्बाद करने वाला तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी उस हरामजादे को, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नाम बता दे उस राक्षस का, मगर ये सत्यानाशी मुंह ही नहीं खोलती। अब आप ही पूछिए मालकिन, मैं तो हार गई। देखो हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरी अक्ल काम नहीं करती। मालकिन, मालकिन आप ही बताइए क्या किया जाए, बताइए मालकिन। मैं क्या बताऊं, ये तुम्हारे घर का मामला है। और तुलसी कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं जो इतना भी नहीं जानती? नहीं पार्वती, मैं इस मामले में कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं। Thank you.
आगे बढ़ी। इस बस्ती में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। ये साली ऐसा नहीं मानेगी। बोल, कहाँ गई थी मुकाबला करवाने? अब ये क्या बोलेगी मक्कार? बड़े घूमते थे बस्ती की लड़कियों का इज्जत का ठेका लिए, मगर जरा अपने का तू तो देखे। राम राम राम। अरे ऐसी जवानी फूट रही थी तो क्या हम मर गए थे? है, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? पार्वती बहन चल बसी। अरे अरे अम्मा, 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 नहीं अम्मा, ना, तू हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, हम तेरे बिना नहीं रह सकते अम्मा, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा हमारा कोई नहीं अम्मा, तू हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती अम्मा, तू हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती अम्मा। अरे भैया, अब तुम्हें निकालो इस गंदगी को बस्ती से बाहर। नहीं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें अपनी अम्मा का क्रियाकर्म करने दीजिए, फिर हम अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। सुना तुम लोगों ने, पेट में पाप की औलाद और देवी जैसी माँ की क्रिया करने चली है। सुनो, तुम्हारे साहब का है? नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। अच्छा क्या क्या आप आ गए, हम तो समझा समझा कर हार गए। अब आप ही देखिए ना, हमारे मालिक ने 3-4 महीनों में क्या हालत बना रखी है अपनी। न ठीक से खाना, न सोना, न दाढ़ी बनाना, बस दिन रात तस्वीर बनाते रहते हैं। हेलो रजत, कैसे हो? मेरी वजह से तुम्हारे घर में जो टेंशन हुई, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी, लेकिन जब तुम्हारी परेशानियों के बारे में सुना तो दिल नहीं माना और यहां तक चली आई। रजत, काफी दिनों से सोच रही थी कि तुमसे मिलूं, तुमसे बातें करूं। बैठो। मैं तुम्हारे दर्द को समझना चाहती हूँ, दुखों को बांटना चाहती हूँ रजत। मुझे कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम मुझसे अपना दर्द नहीं छुपा सकते, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, याद है ना, मैंने एक बार तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो उसी दोस्ती के हक से कहती हूँ, तुम्हारे अंदर के फनकार को मैं मरने नहीं दूंगी। अब अंदर बचा ही क्या है, न फन न फनकार, सब कुछ खत्म हो गया है। अब मुझसे कुछ नहीं होगा। होगा और जरूर होगा। तुम समझने की कोशिश करो रजत, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम बिजी रहो, यहाँ से इतनी दूर निकल जाओ कि यादों की बाहें तुम तक पहुंचे ही ना। और लकीली अमेरिका में एक बढ़िया स्पॉन्सर भी मिल गया है, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराई हूँ, शायद अपनी दोस्ती के भरोसे पर। और अभी 7 दिनों के अंदर ही अंदर हमें अमेरिका में पहुंचना है। You are welcome, sir. Excuse me, madam. मुझे पूना के लिए एक टिकट चाहिए। Sure. Thank you. Hello, मुक्ता जी। ये तो अच्छा हुआ कि आप मिल गईं। वरना आपको शिकायत रह जाती कि इतनी बड़ी खुशखबरी और आप तक नहीं पहुंचाई गई। ऐसा है कि मैं और रजत एक शो लेकर अमेरिका जा रहे हैं। बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर मिस पूरी। वैसे रजत जैसे ग्रेट आर्टिस्ट को बर्बाद करने में आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी।
मैं जानती हूँ कि किस मेहनत के साथ मैंने उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौटाया। आजकल वो बहुत खुश हैं, जितना पहले कभी नहीं थे। मुबारक हो। नहीं मुक्ता जी, मुबारक तो मैं उस दिन लूंगी जिस दिन मेरे 50% बिजनेस पार्टनर मेरे 100% लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। ये सिर्फ आप चाहती हैं या वो भी? कैसी बातें करती हैं आप मुक्ता जी, अब मैं और रजत कोई अलग अलग तो है नहीं। कब से मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं आपसे कहूँ उन्हें आजाद कर देने के लिए। अगर आप मुझे आज नहीं मिलती तो जल्दी मुझे आपके घर आना पड़ता। नहीं, ये तकलीफ आपको नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन रजत जी से इतना जरूर कह दीजिएगा कि डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में देर उन्हीं की तरफ से हुई है, और अगर वो ये चाहते हैं कि पहल मेरी ही तरफ से हो तो ठीक है, मैं भी आपके सामने वकील साहब को फोन किए देती हूं। हेलो वकील साहब, मैं मुक्ता वर्मा बोल रही हूं। जी सुनिए, आपके पास मिस शीतल पुरी नाम की एक देवी जी तशरीफ लाएंगी और आपको रजत जी के पास ले जाएंगी। जी रजत जी के पास, उनसे आप डिवोर्स पेपर साइन करवा लीजिए। मेरी बात सुनिए प्लीज, और उसके बाद मुझे मिलिए, जल्दी है वकील साहब। थैंक यू। आज हमारी शादी की सालगिरह है, देखो ना ये मोमबत्तियां भी मेरे साथ तुम्हारे इंतजार में जल रही है। हर साल ये खुशी का दिन हम साथ साथ मनाते थे, लेकिन मेरा दिल कहता है आज भी ये दिन भूलोगे नहीं रजत। आई लव यू रजत, आई लव यू। सबसे पहले तो मैं आपको शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूँ। जी, आपको कैसे पता चला? रजत जी ने बताया था। आपका काम उन्होंने कर दिया है, ये तलाक के पेपर्स उन्होंने साइन कर दिए हैं, लेकिन बेहद भारी दिल से। एक रिक्वेस्ट भी की थी उन्होंने कि मैं आज ही के दिन आपसे मुलाकात कर लूं और ये डाइवोर्स पेपर्स देने से पहले ये पैकेट आपको दे दूं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये पैकेट खोलने के बाद भी अगर आपका इरादा ना बदले तो आप ये डाइवोर्स पेपर साइन कर सकती हैं। कहने से कोई फायदा नहीं, मगर ये सच है कि आम इंसान की तरह मैं भी एक हादसे का शिकार हो गया। कैसा इत्तेफाक है, आज के दिन जब हम दोस्त से एक हुए थे, ना चाहते हुए भी मुझे वो काम करना पड़ रहा है जो तुम चाहती हो, इसलिए कि मैं तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। इस खत के साथ जो चीजें हैं पहचानती हो ना, आज भी ये चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। आज तक मैं मायूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे विश्वास है कुदरत कभी ना कभी अपना करिश्मा दिखा कर रहेगी। लेकिन अगर तुम डाइवोर्स पेपर साइन कर दोगी तो आज के बाद कुदरत भी हार जाएगी। आज रात की फ्लाइट से मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अगर कभी तुम मुझे माफ कर सको तो नीचे लिखे पते पर कॉन्टेक्ट करना। पेशे से मैं वकील हूं,
लेकिन उम्र में तुम मेरी बेटी जैसी हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ो बेटी, अपनी खुशियां लौटा लाओ, इस घर को टूटने से बचा लो बेटी, जाओ जल्दी करो। सुनिए, टिकट प्लीज। मैं पैसेंजर नहीं हूँ, मेरे पति फ्लाइट 111 से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, इस गेट से आगे सिर्फ पैसेंजर ही जा सकते हैं। प्लीज कम दिस साइड। प्लीज I-111 गोइंग टू न्यूयॉर्क इज नाउ रेडी फॉर डिपार्चर। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड। देखिए आज आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं अपने पति से कभी नहीं मिल पाऊंगी। प्लीज देखिए, ये वक्त हम दोनों के बीच कभी न टूटने वाली दीवार बन जाएगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। आई कांट हेल्प इट। सिक्योरिटी स्टॉप हर। पासपोर्ट प्लीज। पासपोर्ट तो नहीं, जाने दीजिए। यू नो दिस इज इमिग्रेशन, आप पीछे हट जाइए। थैंक यू। बीवी के रिश्ते से तो आपने कभी रजत को चैन से रहने ना दिया, और वो रिश्ता टूट जाने के बाद तो कम से कम उसे बख्श दिया होता। वैसे आप चाहती क्या है? यही ना कि उदासियों के जिस समुंदर से मैं उन्हें बाहर निकाल कर लाई हूँ, आप उन्हें वापस वहीं धकेल देना चाहती हैं? मैं पूछती हूँ, तलाक के पेपर साइन करने के बाद आपका उनसे रिश्ता ही क्या रहा है जो बेशर्मों की तरह आप यहाँ चली आई? मिस शीतलपुरी, पति पत्नी का रिश्ता दो आत्माओं का रिश्ता होता है, समझी? मैं मिसेस रजत वर्मा थी, मिसेस रजत वर्मा हूं और मिसेस रजत वर्मा रहूंगी। थैंक यू वेरी मच मिसेस रजत वर्मा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, और अदालत को यह बता देना चाहता हूं कि अभी आपने जो कुछ भी कहा वो लफ्ज पर लफ्ज सही था। योर ऑनर, ये सारे के सारे कागजात जो उसकी लाश के साथ आए हैं, चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं योर ऑनर कि संगीत और कला का ये ठोंगी पुजारी जो शक्ल से बेहद मासूम और भोला भाला नजर आता है, इंसानियत के दाम पर एक बदनुमा दाग है। ये वो खतरनाक कातिल है योर ऑनर, जिसने कला के बहाने पहले तो शीतल से मनमाना फायदा उठाया और फिर अपना मतलब निकल जाने के बाद उसे गोली से उड़ा दिया। He should be hanged. ये झूठ है। सरासर झूठ है। तुलसी, खून रजत बाबू ने नहीं हमने किया है। ये देखिए हमारे शरीर पर लगे खून के ये धब्बे, पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि शीतलपुरी के कातिल हम हैं। नहीं जज साहब, ये झूठ है। ये इल्जाम अपने सर पर लेके तुलसी मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। इससे पूछिए, पूछिए इससे, वहां किए गए खून के डब्बे अब तक इसके कपड़ों पर ताजा कैसे हैं? हर सवाल का जवाब हमारे पास है सरकार। मरने वाली का बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन उस पर चलाई गई गोलियां जिस रिवॉल्वर से निकली थी वो ये है। भगवान की सौगंध सरकार, मालिक सिर्फ हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं, और वो शीतलपुरी, उसका बदला भी मालिक से नहीं मालकिन से था। वो चाहती थी जो देवता उसका ना हो सका वो मालकिन को भी वापस ना मिल सके, इसलिए मरते मरते भी उसने झूठा बयान दिया। लेकिन लेकिन सच तो यह है सरकार। बस बस तुलसी बस, आगे एक लफ्ज भी नहीं बोलना। तुम अपना बयान दे सकती हो तुलसी। हम जो भी कहने जा रहे उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा मालकिन। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे। जैसा हमारी अम्मा के मरने के बाद जब मालकिन ने भी हमें टुकरा दिया तो हमारे पास जीने की कोई वजह ही नहीं रही। जीते भी तो किसके लिए, किसके सहारे? इसलिए खुद को मिटाने के लिए हम नदी में कूद पड़े, लेकिन हमें मरने नहीं दिया गया। हमने उसे बहुत समझाया,
लेकिन वो तो अपना लाइफ देने के पीछे पड़ा है। जब ये हमारे से नहीं संभली तभी तो हम उसे आपके आश्रय में लेकर आया है। उसका नाम है तुलसी। तुलसी? आंटी क्यों री, सब तो बर्बाद हो गया, अब तुझे अपनी जान देकर क्या मिलेगा? बोल, आ तुझे दिखाऊं, तूने मेरे मुक्ता का क्या हाल बनाया है, पागल कर दिया है उसे, पागल। चला। तुम्हारा कोई कसूर नहीं रजत, कोई कसूर नहीं। दिन भर आंटी घर पर होती है ना, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाती, लेकिन आज वो घर में नहीं है ना, तुम मेरी बात सुन लो प्लीज, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, प्लीज सुन लो। रजत तुम तो आखिरी क्षण तक मेरा इंतजार करते रहे, मुक्ता अपने अहंकार और अहम की लड़ाई में खत्म हो गई। रजत मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आपकी कसम मालकिन, हम आपके पति को एक दिन जरूर वापस लाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े। परेशान मत हो मुक्ता, ये तेरा ही बच्चा है। मेरा? हाँ मुक्ता, भगवान ने तेरी दुआ सुन ली, इस बच्चे की माँ इसे जन्म देते ही चल बसी। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया और मैंने रजत को तार कर दिया कि मुक्ता ने तेरे बेटे को जन्म दिया है। जवाब में उसका फोन आया, पूरे आधे घंटे तक तेरे और तेरे बेटे के बारे में पूछता रहा। उसकी आवाज से खुशी छलक रही थी, कहने लगा, मुक्ता से जाके कहना कि देखो हो गया ना करिश्मा। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो हमने सोचा था वो हो गया, मालकिन ने हमारे बच्चे को अपना लिया। शफी साहब। तुम? हाँ साहब, हम वापस आ गए हैं। किस लिए है? मेरी बर्बादी का मातम मनाने के लिए या मेरा मजाक उड़ाने के लिए? ऐसा ना कहिए साहब, हम मानते हैं कि आपका गुस्सा एकदम सही है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, आपसे माफी मांगने के लिए, विनती करने के लिए कि हम आपके लिए शो करने को तैयार हैं। हाँ साहब, रजत बाबू का एक एक कंपोजिशन हमें जबानी याद है, अगर आप चाहें तो हर आइटम अभी करके दिखा सकते हैं। लेकिन तुमने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। जी? मैं तो शहर के खतरनाक गुंडे को काम पर भी लगा चुका हूँ। कैसा काम साहब जी? क्यों साहब जी? बदला लेने के लिए, उन सब से जिन्होंने मेरा इतना भारी नुकसान करके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, चाहे वो तुम हो, मुक्ता हो, शीतल हो या रजत। बदला तो ठीक है साहब, लेकिन इससे आपका लाखों का नुकसान तो पूरा नहीं होगा। जरा सोचिए, क्या गोली से ज्यादा चांदी का जूता उनके मुंह पर मारना आपको पसंद नहीं आएगा? मतलब? साहब, अगर आपको बदला ही लेना है तो उसके लिए आपको अमेरिका जाकर उन लोगों से भी बढ़कर शो करने चाहिए, और इसके लिए हम तैयार हैं, हम आपके साथ हैं साहब, हम पर भरोसा रखिए। तुम्हारी इस बात का सबूत? लाइए साहब, कलम दीजिए और जहां चाहे हमसे दस्तखत ले लीजिए। ठीक है, लेकिन कोई भी नई चाल चलने से पहले याद कर लेना। हाँ? जिस आदमी को मैंने ये काम सौंपा है। हाँ? वो अब तक 10 खून कर चुका है। 10? हाँ?
ये क्या कर रही हो? गलती मेरी है, पहले बहुत शर्मिंदा हूं। गलती तो हमारी थी, लेकिन आप इसकी सजा मालकिन को क्यों दे रहे हैं? मालकिन, आप समझते हैं हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं, शोहरत कमाने आए हैं? नहीं साहब, हम आपसे ये पूछने आए हैं कि आप मालकिन को इस तरह क्यों सता रहे हैं? उन्होंने आपको कितनी चिट्ठियां लिखी, लेकिन आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। चिट्ठियां? कौन सी चिट्ठियां? मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। इसका मतलब है चिट्ठियां आप तक पहुंची नहीं। हम समझ गए साहब, ये सब इस शीतल का ही काम है। शीतल? शीतल क्यों करेगी इस तरह? आपको छीनकर मालकिन से बदला लेना चाहती है। बदला? किस बात का बदला? आपको क्या पता साहब, यहाँ आने से पहले आपने शादी के सालगिरह पर जो पैकेट मालकिन को भेजा था, उसे देखते ही वो एयरपोर्ट दौड़ी चली गई थी। लेकिन जरा सी देर हो गई, आप नहीं मिले, लेकिन ये शीतल उन्हें मिल गई। गुस्से में मालकिन ने डाइवोर्स पेपर फाड़कर उसके मुंह पर दे मारे। बस साहब,
इसीलिए अब शीतल उन्हें अलग अलग तरीके से परेशान कर रही है, कभी मालकिन के खत छुपाकर और कभी उन्हें जले कटे खत लिखकर। और साहब अब तो बेचारी मालकिन पागल सी होती जा रही है। पागल? उसने तो वो गुनाह किया है साहब कि उसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। आपके बेटे के जन्म की खबर भी आप तक नहीं पहुंचने दी। क्या कह रही हो? मेरा बेटा? नहीं, ये सच है साहब, आप बाप बन गए हैं, प्यारे से बेटे के बाप। ये देखिए साहब, ये देखिए। मेरा बेटा, मुक्ता मां बन गई और मैं बाप। अब आप जल्दी से मालकिन के पास पहुंच जाइए। अब तक आंटी ने उन्हें यही कहकर बहलाया हुआ है कि बेटा होने की खबर सुनकर आपने आंटी से फोन पर खूब बातें की और ये भी कहा कि आप जल्दी से वहां पहुंच रहे हैं। नहीं शीतल, नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने जो मेरा सुख छीना है, अब तुझे अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ेगी। साहब, साहब ये करती थी ना कि मैं मुक्ता को भूल जाऊं, इसलिए कि डाइवोर्स के बाद एक मरे हुए रिश्ते को धोने से क्या फायदा। तुम यही कहा करती थी ना। तो बताओ मुझे, किसके खत है ये? किसके आंसू हैं ये? किसकी बेबसी, किसकी आय है ये? बोलो। आमोश क्यों? जवाब दो। तुम बोल भी क्या सकती हो? नंगे हाथों पकड़ा मुजरिम इसी तरह खामोश रहता है, लेकिन मैं भी अपनी मुक्ता के एक एक आंसू का बदला तुम्हारा खून बहा के लूंगा। नहीं शीतल, नहीं। तुम जैसी गिरी हुई औरत मुझ पर गोली नहीं चला सकती। देख देख किस तरह तेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि इन्हीं गंदे हाथों से तूने मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा मुझसे चुराया, मेरे बाप बनने की खुशी मुझसे छुपाई। बोल दो ये सब झूठ है। बोल दो ये खत तुमने नहीं पढ़े। बोल। हाँ पढ़े हैं सब, बात पढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, मुझे पाना चाहती थी। हाँ पाना चाहती थी, लेकिन अब जब तुम मेरे नहीं हो सकते, मैं तुम्हें किसी का रहने नहीं दूंगी। जिस औरत ने मिसेज रजत होने का दावा करते हुए बार बार मेरी बेइज्जती की, मुझे नीचा दिखाया, आज तुम्हें खत्म करके मैं उससे अपना बदला लूंगी। तुमने क्या किया तुलसी? फिर क्या करते साहब? अगर हम इसे ना मारते तो ये आपको खत्म कर देती है,
लेकिन अब साहब अब वक्त बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलकर मालकिन के पास पहुँच जाइए। तुम समझती हो कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा? चलो मेरे साथ। नहीं साहब, हमारी फिक्र छोड़िए, हमारा काम तो पूरा हो गया, हम तो खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं तुलसी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी मालकिन की कसम, मेरे बच्चे की कसम, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। साहब मुक्ता, कोई प्यारी प्यारी सी ड्रेस ले आ मेरे राजा बेटे के लिए। अरे आंटी, इतनी अच्छी तो रखी हुई है यहाँ। नहीं, इससे अच्छी ले आ, बिल्कुल राजकुमार की तरह रख मेरे राजा बेटे को। क्या मालूम हमारे डैडी आ जाए हमें देखने के लिए। कब तक बहलाती रहोगी आंटी? तुमसे फोन पर इनकी बात हुए भी कितने महीने गुजर गए। अगर इन्हें आना ही होता तो कब के आ चुके होते। मुक्ता, भगवान तेरे इसी दरबार में मालकिन के लिए हमने जो मांगा था वो बात तूने पूरी कर दी, हम बहुत खुश हैं भगवान। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अच्छी तरह से देख लो, यही है वो लड़की जिसने मुझे कहीं का नहीं रखा। अब ये जिंदा नहीं बचनी चाहिए। फिकर नहीं सेठ, इस साली से तो अपुन को भी पुराना हिसाब चुकाने को है। हाँ, और मरने से पहले इसे बता देना कि जिसके पीछे इसने अपनी जवानी बिगाड़ ली है वो बहुत जल्द फांसी पर चढ़ने वाला है। पहचाना अपन को? अपन बांके तेरी बस्ती का किंग, याद आया? नहीं पर अपन को सब याद है। याद है कि तूने ही सारी बस्ती को भड़काकर अपन को जेल करवाया था, और यह भी याद है कि जब अपन को पुलिस उठा के ले जा रही थी तू साली अपना मुंह छुपा के हंस रही थी। अगर तुझे ये सब याद है शफी के भांड, तो ये भी याद होगा कि भरी बस्ती में हमने तुझे कैसे नीला पीला किया था। उसी का बदला तो चुकाने के लिए तड़प रहा था जाने साला गला बड़ा खुश हो रहा है। चल मरने के पहले एक नेक काम तो करती जा, अब उनका प्यास तो बुझा दे। माँ का दूध पिया हो तो जरा हाथ लगा के तो देख बड़ी सती सावित्री बन रही है साली, सेकंड हैंड माल। अरे चुप, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, सारी दुनिया को खबर है तूने किसके साथ मुंह काला किया और किसके हम साथ। कहते हैं बकवास बंद कर वरना। मालूम था तू ऐसे ही कहेगी, तो देख तेरे आशिक की बीबी ने भरी अदालत में क्या बयान दिया। देख ले, अच्छी तरह देख ले। तू अखबार का मजा ले, मैं तेरा। अरे छुपाऊ प्यास से बता दे। एक कमर जाती है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे।
मेरी प्यास और भी बढ़ गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनने के बाद तो आपको विश्वास हो गया होगा जज साहब कि रजत बाबू बेकसूर है, खूनी हम हैं। हमारे ये हाथ एक नहीं दो दो खूनों से रंगे हुए हैं। ये हाथ जिसकी उंगली पकड़कर अम्मा ने कभी चलना सिखाया था, मालकिन ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया और मालिक ने नाचना सिखाया, लेकिन हमने इन्हें बदले में क्या दिया? अम्मा की जान ली, मालकिन को बेघर कर दिया और मालिक को इस कटेरे तक पहुंचा दिया। जज साहब, हमारी इतनी सी प्रार्थना सुन लीजिए, हमारी मालकिन का सुहाग उन्हें लौटा दीजिए, एक मासूम बच्चे का बाप उसे लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। मालकिन, हमारा कसूर माफी के लायक तो नहीं, फिर भी हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमने कसम खाई थी कि आपकी मां बनने की खुशी में कभी जहर नहीं खोलेंगे, ये होठ कभी नहीं खोलेंगे, लेकिन मालिक की जान बचाने के लिए हमें ये कसम भी तोड़नी पड़ी। हम बहुत मजबूर हो गए थे मालकिन। आप ही हमें माफ कर दीजिए मालिक, हमें माफ कर दीजिए। जैसा हमारे जैसे गुनेगार और खतरनाक मुजरिम को एक बार नहीं सात सात बार फांसी पर लटका दिया जाए तो वो भी कम है। पाप के बोझ से हमारा दम घुटा जा रहा है, हमें मुक्ति दिलवाइए जैसा भगवान के लिए, हमें फांसी की सजा। पगली, तूने खुद को मिटाकर मुझे वो नजराना दिया है जिससे इतनी दूर जाकर भी तू हमेशा मेरे पास रहेगी। अपने बेटे के रूप में हमेशा मेरे सीने से लगी रहेगी, हमेशा। तुलसी, तूने कहा था ना कि अगर भगवान ने मेरी गोद भर दी तो ये कंगन पहनेगी। पहन ले कंगन।
फिर लिखूंगा। अपनी यादों का दे के नजराना, जाने वाले अजीब होते हैं जिनके मरने पे लोग रोते हैं, वो बड़े खुश नसीब हो।